अगर आपको जर्मन में पेपर लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और आप चाहते हैं कि जर्मन आपको डिपोर्ट ना करे, तो आपको ये सब काम करने हैं। चार मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने जनाब हाउस बिल्डिंग करके अपने पेपर ले लिए हैं। तभी हाउस बिल्डिंग आपने ढूंढनी कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि जर्मन में अजील असाइलम पास कैसे होता है, जैसे कि आजकल डिपोर्टेशन भी बहुत हाई लेवल की हो रही है। तो जनाब एक एक चीज़ आपको बताने लगा, बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमने जर्मन में असाइलम करना है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा असाइलम अजील पास हो सकती है। क्योंकि आपको पता है जर्मन के रूल्स बहुत टाइट हैं, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो रूल टाइट है नेदरलैंड, जर्मन और स्वीडन और ऑस्ट्रिया। लेकिन जर्मन बहुत हाई लेवल का कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रूल फॉलो भी करने होते हैं। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनीवे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आराम से वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, तो बहुत आराम से और ये समझने वाली वीडियो है। एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। समझ लो कि आपने जर्मन में आने का प्लान बना लिया और आप चाहते हो कि यार मैं शेंजन वीज़ा लगवा के स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल या किसी भी यूरोपियन कंट्री का मैं जर्मन डॉयचलैंड में आ जाऊँ। तो पहले तो जनाब डॉयचलैंड में आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये ठीक ठाक सोच समझ के आपने आना है, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान यूज टू हो जाता है। तो जनाब जब आप जर्मन में फिर आ जाते हैं किसी भी तरीके से, या अगर आप डंकी लगा के आते हैं, तो आपका राइट्स होता है कि हाँ भाई आप जर्मन में असाइलम करें। कुछ लोग कहते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं कि हम जर्मन में डंकी पे आके असाइलम कर सकते हैं, हम वीज़ा लगवा के जर्मन में आके असाइलम कर सकते हैं। तो ऑफिशियली आप कर सकते हो, क्योंकि असाइलम अजील आप पूरी दुनिया के किसी कोने में भी, आप चाहें तो इंडिया में भी कर सकते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। क्योंकि असाइलम का मतलब क्या होता है, अजील का मतलब क्या होता है, रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, कि हम किसी कंट्री में जाके वहाँ पर पनाह ले रहे हैं। पनाह मतलब कि हम वहाँ पे अलग अलग जाके स्टोरी बताते हैं कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान में हमारी जान को खतरा है, जैसे कि लोग आजकल करते हैं। तो जर्मन में आप आके आसानी से असाइलम कर सकते हो, अभी असाइलम तो आपको हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। असाइलम करने के बाद वो आपको 2-3 महीने कैंप में रखते हैं, और कैंप में रखने के बाद फिर वो आपका क्राइस डाल देते हैं। वाट इज़ क्राइस? क्राइस अभी है क्या? क्राइस ये होती है कि वो आपको एक ट्रांसफ़र कर देते हैं एक अच्छे से खूबसूरत से घर में या हाइम में, ठीक है। यहाँ पे हाइम बोलते हैं या वोनुंग बोलते हैं, वोनुंग अपार्टमेंट रूम्स को बोलते हैं, ठीक है, घर को यहाँ पे वोनुंग बोलते हैं, और हाइम भी बोलते हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं। तो जब फिर वो आपका पक्के वाला ट्रांसफ़र डाल देते हैं, और वहाँ पे फिर आजकल ये कर रहे हैं कि आपको वो काम की परमिशन भी दे रहे हैं, और काम की परमिशन डिपेंड करता है आपके सिटी के ऊपर, आपके सूबे के ऊपर। क्योंकि जिस सिटी में अभी मैं खड़ा हूँ, जैसे कि आपको पता है मैं बादन रूटनबर्ग स्टुटगार्ट के पास हूँ, तो यहाँ पे आजकल वो क्या कर रहे हैं, जब कार्लसरुहे में आप जाते हैं और आप अपना असाइलम वगैरह की अपील करते हैं या असाइलम करते हैं, तो आपको वो 3 महीने में आपको काम की परमिशन दे देते हैं, और इसको आरबाइट अरलाउनेस बोलते हैं। वन दो आरबाइट अरलाउनेस हास दू कांसफिंडन आइन फॉर आरबाइट वू दू बिल्स्ट। और ये मैंने जर्मन में बोंगी मारी है, क्योंकि आपको पता है मेरी जर्मन बहुत हाई फाई है, तो इस वजह से मैंने कहा है कि भाई जब आपको जर्मन काम की परमिशन दे देता है, तो आप कहीं पे भी उसी सूबे में या उसी सिटी में काम कहीं पे भी तलाश कर सकते हैं, और जर्मन में काम मिलना थोड़ा आसान और इजी होता है, और यहाँ पे आपको 14 से 15 यूरो पर आवर का मिलता है। लेकिन टैक्स टुक्स भी करता है, वो एक अलग मेथड हो जाएगा, इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा। तो समझ लें कि अभी आपका असाइलम तो हो गया, लेकिन ट्विस्ट क्या है जो आपको समझना है, असाइलम पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जर्मन के रूल्स टाइट हैं, जर्मन के जो असूल हैं, रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हैं। तो यहाँ पे असाइलम पास होना बहुत पंगा है। अभी असाइलम पास होने के आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप जर्मन में अपने असाइलम पास करवाना चाहते हो, तो आपको ये काम यहाँ पे लोग करते हैं, और ऐसा आप भी चाहें तो कर सकते हैं। पहला काम क्या है, लोग यहाँ पे शादी करते हैं। दूसरा काम क्या है, लोग शादी नहीं करते, डायरेक्ट बच्चा ही पैदा कर देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे होंगे ये कौन सी बात है, तो जब यहाँ पे लोग बच्चा पैदा कर देते हैं तब उनको ये कोई ख्याल नहीं आता इंसानियत का। तो इस वजह से मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉसिबिलिटी होती है, कुछ लोग शादी करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली बच्चा पैदा कर देते हैं, मतलब कि वो किसी गोरी के साथ या डोइच के साथ या किसी जर्मन के साथ वो अपना रिलेशनशिप रखते हैं। या फिर उसके बाद एक अच्छा साफ और आसान तरीका है हाउस बिल्डिंग। अभी ये हाउस बिल्डिंग क्या है, अगर आपने जर्मन में रहना चाहते हो, पैसे बनाना चाहते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तो याद रखिए आपको हाउस बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। अब ये है क्या कि ये आपको एक काम सीखना होता है जर्मन में, जैसे कि जर्मन को आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर की, तो जर्मन को जनाब चाहिए नर्सिस, चाहिए डॉक्टर, चाहिए ओल्ड हाउसेस में बंदे चाहिए,
यहाँ पे आप रेस्टोरेंट की फील में भी हाउस बिल्डिंग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा ओल्ड हाउसेस में। जैसे कि मेरे पीछे जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे भी एक ओल्ड हाउसेस है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो बुड्ढे होते हैं ना यहाँ पे, लोग अक्सर ये होते हैं कि पेरेंट्स को अकेला छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजेड लोग हैं, तो हमें उनको संभालना होता है। जैसे कि हम इंडिया पाकिस्तान में अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनकी पॉटी वगैरह साफ करते हैं, उनके कपड़े चेंज करते हैं, मतलब कि एक एक चीज़ होती है यहाँ पे। तो ये काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ आपको अपना दिल खड़ा करना होता है, और काम कोई भी बुरा नहीं होता। और इस काम का फ़ायदा क्या है कि जर्मन आपको कभी निकालता नहीं है, क्योंकि जर्मन अपने मतलब के बंदों को सब कुछ देता है। तो इस वजह से अगर आपने आल्टर फ्लेगे में हाउस बिल्डिंग कर ली, इसको आल्टर फ्लेगे बोलते हैं हम जर्मन में, कि ओल्ड लोगों को संभालना, ठीक है, उनको फ्लेगे करना, उनको प्रोटेक्ट करना, तो जनाब वहां पे अगर आप चले जाते हो तो आपको 3 से 5 साल के अंदर वो कंप्लीट करना होती है अपनी सर्विस। और इसमें आपको ये नहीं है कि वो पैसे नहीं देंगे, इसमें बकायदा आपकी सैलरी होती है जनाब। आप काम भी सीखते हो, आप 2 हफ्ते काम पे जाते हो, 2 हफ्ते आप लैंग्वेज भी सीखते हो, वो सारा सिस्टम आपको सारी एक एक अपॉर्चुनिटी और सहूलत आपको देते हैं, तो जनाब आपको वो सीखने के पैसे देते हैं। और आजकल अगर आप हाउस बिल्डिंग करते हो फ्लेगे में, तो वो आपको 1,000-1,100 दे सकते हैं। पहले ये था 800-900 बनता था, लेकिन जैसा कि अभी आपको पता है 2024 स्टार्ट होने वाला है, तो 24 में थोड़ा सा रेट उन्होंने हाई कर दिया है, तो इस वजह से 1,000-1,100 आपका हो सकता है। और 2 दिन छुट्टी होती है, 2 दिन आप रेस्ट भी करते हैं, और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप सेफ हो जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा टाइम पीरियड लंबा है, तो लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने जर्मन में पेपर लेने हैं, आप किसी भी बेरूफ में हाउस बिल्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पे आप सैलून में भी कर सकते हो, बच्चर शॉप में कर सकते हो, मतलब कि आप कंस्ट्रक्शन में भी कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से प्रेफर करूंगा कि जनाब अगर आप हाउस बिल्डिंग करते हैं आल्टर फ्लेगे में, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और आजकल जर्मन में डिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये डिपोर्टिंग का मसला जनाब ये मुद्दतों से, ये सालों से चलता आ रहा है। लेकिन अगर आपको जर्मन में पेपर लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और आप चाहते हैं कि जर्मन आपको डिपोर्ट ना करे, तो आपको ये सब काम करने हैं, क्योंकि हाउस बिल्डिंग करने से जनाब आपकी ज़िंदगी सेफ हो जाती है। तभी हाउस बिल्डिंग आपने ढूंढनी कैसे है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मिसाल के तौर पर आप किसी भी एरिया में हैं जर्मन में, वहाँ पे एक तो अजूल कैफ़े होते हैं। अजूल कैफ़े क्या होते हैं कि वहाँ पे जनाब अगर आप अजूल कैफ़े में जाते हैं, मीन के सोशल वर्कर, हर जगह पे आपको उनके अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, उनके लोग मिल जाते हैं, और किसी जगह पे जुमेरात को वो एक दिन मुकर्रर होता है, या किसी दिन जुम्मे को वो पूरी मीटिंग रखते हैं। मतलब कि एक सिटी में, एक गाँव में छोटा सा एक डिपार्टमेंट होता है या एक घर होता है, उसको अजूल कैफ़े उन्होंने बना दिया जाता है, जहाँ पर अपने लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और फिर आप अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करते हो, अपने सोशल वर्कर के साथ उनको बोलते हो कि हम हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, और अगर आपकी वो हेल्प ना करे, तो आप अपने नज़दीक कोई भी स्कूल देख सकते हो आल्टर फ्लेगे में, तो आप वहाँ पे जाएं, आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई तोप वाला ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनको बंदों की ज़रूरत है। आपने वहाँ पे जाना है, आपने अपना केस डिस्कस करना है, अपना इंटरेस्ट शो करना है कि हाँ भाई मुझे ये काम बहुत पसंद है, तो जनाब वो आपको इन कर लेते हैं, क्योंकि जर्मन को आल्टर फ्लेगे में बंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जनाब, मेरे ही दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं मेरे, ठीक है, टोटल तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन 4 मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने जनाब हाउस बिल्डिंग करके अपने पेपर ले लिए हैं। एक बंदे ने रेस्टोरेंट की फील्ड में किया है, लेकिन उसने काफ़ी अच्छे से लैंग्वेज सीखी, बहुत हार्डवर्क किया, उसको मिल गए। लेकिन 2 दोस्त, एक है अदनान, उसको आल्टर फ्लेगे में मिला, एक जमशेद है, उसको भी TRC कार्ड मिल गया, और जनाब एक उमर है। तो जनाब उन्होंने सब ने आल्टर फ्लेगे ज्वाइन किया, और उनके पास अभी रेजिडेंस कार्ड है, और अभी वो फ्लाई भी कर सकते हैं। नॉर्मली तो आप जब अजूल करते हैं ना, तो फ्लाई नहीं कर सकते, ये भी मैं ऐड कर दूं, लेकिन उनको अभी 5 साल का अरसा हो गया, और ऊपर से कार्ड भी मिल गया, और जनाब अभी वो अपना इंडिया पाकिस्तान भी जा सकते हैं। और जिनमें से जो जमशेद साहब हैं, वो जनाब अगले महीने उनकी फ्लाइट है जर्मन से, और वो अपना शादी के लिए पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो एनीवे, होप के इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, और काफ़ी आपकी हेल्प हुई होगी। और अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ, या स्किप कर गया हूँ, या मैं बोल नहीं सका, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, तो आप, मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर या तो वीडियो बना दूँ, या फिर आपको रिप्लाई दे दूँ। अभी हमारी ट्रेन भी आ गई है, और जनाब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। होप कि मैंने आपको सब कुछ गाइड कर दिया, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।